given five flags of different colors. Okay, very good. How many different signals can be generated if each signal requires use of two flags, one below the other? Okay, तो कितने पांच से लेके दो के अरेंजमेंट के कितने तरीके बन सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल, 5P2 ही आएगा. ठीक है, मुझे देखिए, आप ऐसे भी जा सकते हैं कि पांच में से 5C2 दो फ्लैग कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो 1-2 और 2-1, ये दो फ्लैग से दो तरह के सिग्नल्स बन सकते हैं. ओके, ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ टू फ्लैग्स, वन बिलो एंड द अदर. तो ये एक दो फ्लैग से दो तरह के सिग्नल बन सकते हैं कि लाइक एक आगे हो एक पीछे हो, तो इनटू फैक्टोरियल 2 × 2, ये मेरे पास आंसर रहेगा. ऐसे भी हम जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, फैक्टोरियल 5/ कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5/ फैक्टोरियल 3 आएगा, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये कितनी आ जाएगी, 5 × 4 आएगी, दैट इज 20 आ जाएगी. ठीक है ना, तो काफी आसान सी बात है, समझने वाली बात है. फाइव डिफरेंट फ्लैग्स हैं मेरे पास, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ टू फ्लैग्स. तो मैंने दो ऐसे भी समझिए, दो फ्लैग को 5C2 से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और हर दो फ्लैग से दो तरह के सिग्नल बनेंगे, दैट फाइव मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया. या डायरेक्टली अगर आपको अरेंजमेंट का आइडिया है तो 5P2 की हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो काफी आसान प्रॉब्लम है और मुझे लगता है समझ में आ गई. ठीक है, ओके ओके, गुड.